हम दोनों तरीके से करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल के तरीके से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज इनके जो रिजल्ट आएंगे वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टू क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस क्या हैं? क्वेश्चंस हैं आपके, फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। सेकेंड है, रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी फॉर ए नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल। हम दोनों तरीके से करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल के तरीके से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज इनके जो रिजल्ट आएंगे वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमें लिखना है, वी नो दैट ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर होती है, मतलब वी जी इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी की। ये हम केस डिस्कस कर रहे हैं, ऊपर हम लिखेंगे दिस इज़ फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। जो रिलेटिव फिजिक्स है, मतलब रिलेटिविटी वाली फिजिक्स है, वो अलग टाइप की फिजिक्स होती है, जो भी फर्स्ट सेम में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम पार्टिकल की बात करें तो वहाँ पर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए भी और रिलेटिविस्टिक के लिए भी एनर्जी का दोनों का फॉर्मूला अलग होता है। जब ये नॉन रिलेटिविस्टिक की बात करते हैं और रिलेटिविस्टिक की बात करते हैं, दोनों लिखेंगे। तो ग्रुप वेलोसिटी का मतलब है डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी के। लेकिन अगर हम दोनों को, मतलब दोनों ऊपर और नीचे, अगर हम एच कट से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर एच कट से डिवाइड कर दें, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? दिस इज़ नॉट के, दिस इज़ ए ओमेगा। तो ये क्या बनता है, एच कट ओमेगा हम पहले डिराइव कर चुके इन क्वांटम मैकेनिक्स। एच कट ओमेगा क्या होता है, ई होता है, मतलब एनर्जी होती है। तो डी ई डिवाइडेड बाई एच कट के क्या होता है, पी होता है, दैट इज मोमेंटम। तो इसका मतलब है कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस में वी जी हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, मतलब आपको एनर्जी गिवन होगी, एनर्जी का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में एनर्जी क्या होती है, दैट इज ई किसके बराबर होता है, पी स्केयर डिवाइडेड बाई टू एम। हम एनर्जी का वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे जिसके अंदर मोमेंटम आता हो, बिकॉज हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है, डी ई डिवाइडेड बाई डी पी, मतलब किसके रिस्पेक्ट में करना है, पी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से जो भी ई है, मतलब डी ई, वो किसके बराबर आएगा, टू पी, टू से टू हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से, सॉरी, ये क्या होगा हमारे पास, इनटू डीपी भी लिखेंगे, बिकॉज ये सिर्फ पावर का है, डिफरेंशिएशन ऐसे ही करते हैं, टू आगे वन पावर यहाँ पर बच गई, टू से टू कैंसिल, इनटू में डीपी, ठीक है। तो यहाँ से डी ई इक्वल्स टू क्या आ गया, पी डिवाइडेड बाय एम इनटू डीपी। इसके बाद जो भी डी ई है, मतलब डी ई डिवाइडेड बाय डीपी, ये क्या है, ये ग्रुप वेलोसिटी है, ठीक है, सॉरी, हाँ, ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी है। इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास, डी पी उधर चला गया, पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है मोमेंटम, वो किसके बराबर होता है, एम वी। और मोमेंटम किसका, मटेरियल पार्टिकल का, मतलब जो वहाँ पर, इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, पार्टिकल वेलोसिटी, मतलब हमें रिलेशन निकालना है वी जी के बीच में और वी के बीच में। ग्रुप वेलोसिटी, सॉरी, फेज वेलोसिटी यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो गया, एम, एम से क्या हो गया, एम हमारा कैंसिल। तो ये क्या होता है, सिंपल, ये डी ई डिवाइडेड बाई डी पी किसके बराबर है, हमारी वी जे के बराबर, और ये क्या बच गया, सिंपल वी। तो इसका मतलब है, इन केस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वी के। अगर ये किसके अकॉर्डिंग था, ये ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग था, आपका टू मार्क्स में पूछा जा सकता है कि रिलेशन बताओ ग्रुप वेलोसिटी के बीच में और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में। लेकिन अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, ये रिजल्ट है, अब हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो वी जी है नॉन रिलेटिविस्टिक केस में किसके बराबर होती है, वी के बराबर होती है। एग्जाम में, मतलब एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन जो लिख रखा है ऊपर वही रहेगा, सेम ऑप्शन आपके हो सकते हैं गिवन इस टाइप से कि
कि जो वी जी है वो बराबर है वी के। सेकंड ऑप्शन आपको गिवन हो सकता है कि वी स्केयर के बराबर है। थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि रूट टू वी के बराबर है, या फोर्थ ऑप्शन हो सकता है कि कुछ भी गिवन हो सकता है, ठीक है, मतलब वी जी जो है वो वी बाय टू है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, अगर उसने कंप्लीट स्टेटमेंट दी है तो। ये बात थी नॉन रिलेटिव स्टिक की। अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव स्टिक की। रिलेटिव स्टिक एनर्जी लिखेंगे पहले, उसके बाद हमारा टारगेट होगा डी ई डिवाइडेड बाई डी पी निकालने का, ठीक है। तो रिलेटिव स्टिक की बात करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं रिलेटिव स्टिक पार्टिकल की, ये था नॉन रिलेटिव स्टिक के लिए। अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव स्टिक के लिए एनर्जी क्या होती है। E स्केयर इक्वल्स टू एम नॉट सी स्केयर प्लस पी स्केयर सी स्केयर, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी ई डिवाइडेड बाई डी पी निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, टू आगे मतलब टू ई इंटू डी ई इक्वल्स टू, ये जो टर्म है एम नॉट सी स्केयर फोर, ये जो है वो कॉन्स्टेंट होती है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। अब सिर्फ इतनी टर्म बच गई सी स्केयर, सी स्केयर यहाँ से टू पी आगे हमारा इंटू डी पी, ठीक है। यहाँ से अगर हम क्या निकालेंगे, डी ई डिवाइड बाई डी पी निकालेंगे, तो टू से टू हमारा कैंसिल हो गया, डी ई डिवाइडेड बाई डी पी किसके बराबर आएगा, पी सी स्केयर, पी सी स्केयर डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। अब बात कर रहे हैं पी की और ई की, जो भी ई है और पी है रिलेटिविस्टिक थ्योरी के अंदर पी और ई क्या होता है। तो डी ई डिवाइडेड बाई डी पी ये क्या होता है, वी जी होता है, बिकॉज हमें रिलेशन वी जी के बीच में और वी के बीच में चाहिए। तो पी रिलेटिविस्टिक में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, पी किसके बराबर होता है, एम नॉट वी डिवाइडेड बाई वी स्केयर माइनस सी स्केयर, ठीक है। सी स्केयर हमारा एच डी, ये पी की बात थी, ये सी स्केयर था, इसके डिवाइडेड में, इसके डिवाइडेड में क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी किसके बराबर होती है, एम नॉट सी स्केयर डिवाइडेड बाई वन माइनस वी स्केयर सी स्केयर। यहाँ से अगर हम रिजल्ट को एनालाइज करें तो सी स्केयर से हमारा सी स्केयर कैंसिल हो रहा है, एम नॉट से हमारा एम नॉट कैंसिल हो रहा है, और ये टर्म जब ऊपर जाएगी तो इस पूरी टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है। तो सिंपल हमारा क्या बच गया, जो भी वी जी है वो किसके बराबर आ गया, वी के बराबर। मतलब रिजल्ट क्या आया हमारा, नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए भी हमारी ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर ही आई थी, और रिलेटिविस्टिक में भी जो ग्रुप वेलोसिटी है वो पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर ही आई है। तो ये था हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल। ऊपर वाला जो केस था उसके अंदर हमने दोनों केस डिस्कस किए, रिलेटिविस्टिक वाला भी और नॉन रिलेटिविस्टिक वाला भी, लेकिन जो भी सेकंड केस है उसमें सिर्फ स्पेशली इसने बोला है वो सिर्फ किसके लिए करना है, नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए। अगर वो रिलेटिविस्टिक के लिए बोल दे तो क्या रिजल्ट आएगा, बिकॉज जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल पर ही अप्लाई होती है, और ये दोनों टर्म रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में एंटर करने के बाद हमने डिफाइन की है। पार्टिकल, अगर सिंपल पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो वो रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक दोनों तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फेज वेलोसिटी की या ग्रुप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वो नॉन रिलेटिविस्टिक के अंडर ही आएगा। तो सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, फेज वेलोसिटी निकालेंगे और ग्रुप वेलोसिटी निकालेंगे। तो सेकंड केस है हमारा फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, दोनों के फॉर्मूले हमें वेल नोन है, फिर भी क्या कुछ एक्स्ट्रा ऐड है इसके अंदर वो देखते हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए आंसर सेकंड क्वेश्चन का,
नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी का, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड थिंग, फेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ओमेगा डिवाइडेड बाय के। अगर ऊपर भी और नीचे भी अगर हम एच कट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एच कट ओमेगा क्या बन गया, ई। एच कट क्या बन गया, पी। पी मतलब मोमेंटम, ई मतलब एनर्जी। तो यहाँ से अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं, मतलब एनर्जी की वैल्यू को पुट करते हैं, तो क्या आएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये पी हमारे पास ऑलरेडी था, तो पी से क्या हो गया, हमारे पास पी कैंसिल हो गया, बचा क्या, पी डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि जो पी है उसकी वैल्यू क्या होती है, m इंटू वी। नीचे क्या है, 2m, m से हमारा m कैंसिल होगा, तो यहाँ से जो भी ये जो यहाँ पर है, ये ग्रुप वेलोसिटी नहीं है, ये स्टार्टिंग में हमने बोला था कि ये फेज वेलोसिटी है। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी तो डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी के होता है, तो जो भी फेज वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ गई हमारी, वी बाय टू। यहाँ से ये जो वी है, तीन टाइप की वेलोसिटी है हमारे पास, वन फेज वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी। ये जो है ये कौन सी वेलोसिटी आई है, पार्टिकल की। हमें रिलेशन चाहिए था फेज वेलोसिटी में और ग्रुप वेलोसिटी में, लेकिन यहाँ से भी एक रिजल्ट तो हम एनालाइज कर ही सकते हैं कि अगर हम फेज वेलोसिटी के बीच में और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन अगर देखना चाहते हैं तो वो क्या है, जो फेज वेलोसिटी है वो पार्टिकल वेलोसिटी का क्या है, हाफ है। मतलब पार्टिकल वेलोसिटी का हाफ कर दें तो वो क्या बनती है, फेज वेलोसिटी बनती है। लेकिन हमें रिलेशन चाहिए ग्रुप वेलोसिटी में और फेज वेलोसिटी में। हमें पता है इससे पहले वाले रिलेशन से कि जो भी वी जी है वो किसके बराबर होती है, वी के बराबर होती है। तो यहाँ से जो भी फेज वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ गई, वी की जगह वी जी पुट कर सकते हैं, तो वी जी डिवाइडेड बाई टू। मतलब जो फेज वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, हमारी जितनी भी ग्रुप वेलोसिटी होती है उसकी हाफ होती है। इसमें भी मतलब इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है हमारा MCQ, उसमें आपको कुछ भी ऑप्शन गिवन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड के लिए ऑप्शन होंगे वी पी, फर्स्ट हम करेक्ट ही लिख रहे हैं, ये हमारा करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में भी आपको इस टाइप से गिवन हो, कंफ्यूज करने के लिए कि टू इधर आएगा या इधर आएगा। सेकेंड हो सकता है कि जो वी जी है वो रूट टू वी पी गिवन है, इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें रिजल्ट पता है, मतलब टॉपिक आता है, रिजल्ट पता है, तो हम इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल। इसके बाद हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हमारे क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक आता है। लेकिन एक और रिलेशन है फेज वेलोसिटी के बीच में और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कैसे होगा, थोड़ा सा जो भी वे है वो डिफरेंट है सेकेंड रिलेशन को निकालने के लिए। वो रिलेशन कैसे निकालेंगे, हमें पता है आंसर है ये सेकेंड क्वेश्चन का, वी नो दैट जो भी फेज वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, ओमेगा डिवाइडेड बाय की। ठीक है, ओके, जो भी ग्रुप वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकेंड होगी। ठीक है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वी पी के बराबर आ गई। इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो वी जी किसके बराबर आ गया, डी। ये क्या हो गया, वी पी के डिवाइडेड बाय डी के। मतलब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमें के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी जी किसके बराबर आएगा, वी पी एज इट इज, के का डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में वन ही आएगा, तो इंटू वन प्लस। यहाँ से अब हम के को एज इट इज रख रहे हैं,
अगर डिफरेंशिएशन करेंगे वीपी का के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वीपी डीके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वीपी ठीक है हमारा वीपी प्लस के इंटू डीवी अपॉन डीके। अब हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे। ये हम कैसे निकालेंगे, वी नो दैट जो के होता है वो किसके बराबर होता है, टू पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। हम यहाँ से डी के निकाल रहे हैं, डी के वो किसके बराबर आएगा, डी के डिवाइडेड बाय डी लैम्डा निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ से टू पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस टू पाई वन बाय लैम्डा इंटू लैम्डा। जो भी डी लैम्डा है इसको हम यहाँ लिख देते हैं डी लैम्डा, बिकॉज हमें जो रिलेशन है वो किसके उसमें चाहिए, हमें चाहिए के डिवाइडेड बाय डी के। तो के डिवाइडेड बाय डी के कैसे निकलेगा, ये हमारा है डी लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर था बिकॉज, तो लैम्डा इंटू लैम्डा क्या हो गया हमारा, लैम्डा स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, के है, तो के डिवाइडेड बाय डी के, ठीक है, माइनस है ये माइनस, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, लैम्डा डिवाइडेड बाय डी लैम्डा। ओके, इसके बाद हम वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं जो भी के डिवाइडेड बाय डी के की वैल्यू किसके इक्वल है, लैम्डा डिवाइडेड बाय डी लैम्डा के। तो जो भी ग्रुप वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, वी पी माइनस, बिकॉज ये माइनस है, के डिवाइडेड बाय डी की के की जगह पे वैल्यू है हमारी माइनस, आगे आ गया डी डी लैम्डा इंटू वी पी। तो ये हमारा रिलेशन है ग्रुप वेलोसिटी के बीच में और जो भी फेज वेलोसिटी है उसके बीच में। ये अनदर रिलेशन है, मेनली जो यूज़ होता है वो फर्स्ट यूज़ होता है कि ग्रुप वेलोसिटी इज़ द हाफ ऑफ फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये भी रिलेशन है हमारा। लेकिन अगर हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो था वो हमने डिस्कस किया था डिस्पर्सिव मीडियम के लिए। यहाँ पर हम बोल रहे हैं डिस्पर्सिव नॉन डिस्पर्सिव, इसका मतलब क्या है, केस डिस्कस कर रहे हैं। केस क्या है, फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम उसके लिए क्या होगा, जो भी हमारी ये रिलेशन है इसको हम स्टार नाम दे रहे हैं, डी पी डिवाइडेड बाई डी लैम्डा, ये जीरो होता है। क्यों जीरो होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या है, जो वी जी है वो किसके बराबर आएगा, वी पी के लिए। ये एक स्पेशल केस हो गया कि अगर नॉन रिलेटिविस्टिक मीडियम बोला है क्वेश्चन के अंदर, तो जो भी ऑप्शन हमें गिवन होंगे उसमें से हमें हाफ यहाँ नहीं करना है, वो हमें ये देखना है कि वी जी किसके इक्वल आना चाहिए, वी पी के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब ये है, डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब है हमारे पास कि अगर हम ओमेगा डिवाइडेड बाय के वन, ये फर्स्ट वेव के लिए लिया था हमने, या फिर ओमेगा टू डिवाइडेड बाय के वन, मतलब दोनों क्या हैं, फेज वेलोसिटी हैं, अगर ये दोनों नॉट इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो केस है वो किसका है, डिस्पर्सिव का है। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब सेम है, तो जो भी वेव है इंटरफेरेंस करेंगी तो वेलोसिटी क्या आएगी, उनकी सेम ही आएगी। तो ये वैल्यू नॉट इक्वल अगर है तो वो डिस्पर्सिव मीडियम हो गया, उसके लिए रिजल्ट कुछ डिफरेंट आएगा। लेकिन अगर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, इसका मतलब है कि जो ओमेगा वन है, मतलब जो भी ग्रुप फेज वेलोसिटी है वी पी, फर्स्ट के लिए भी और सेकंड के लिए भी वो क्या है, सेम है। अगर वैल्यू सेम है तो उसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो। जीरो आएगा तो ये वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, और जीरो हो जाएगी तो जो भी ग्रुप वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वी पी के बराबर आ जाएगी। तो ये सेकेंड एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे तीन रिलेशन बनते हैं। फर्स्ट वन, जो फर्स्ट रिजल्ट आया था, फर्स्ट रिजल्ट क्या आया था,
जो भी ग्रुप वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, जो भी फेज वेलोसिटी है उसका हाफ। सेकंड रिजल्ट ये है हमारा कि जो वी जी है वो किसके बराबर है, वी पी माइनस लैम्डा डी लैम्डा डी वी। और थर्ड रिलेशन आया है हमारा नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए कि जो वी जी है वो हमारा किसके बराबर है, वी के बराबर है। ठीक है, ये आपका था, जितने भी रिलेशन है वो सारे हो चुके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इन क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।